नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन है सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया। दर्शकों, आज बात करेंगे उस कार्ड की जो कार्ड लेकर दरअसल सियासी दल चुनाव के पहले एकदम से प्रकट हो जाते हैं। जी हां, एक बार फिर से सियासी दल कांग्रेस ने इस बार दलित कार्ड निकाल दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का पूरा मामला है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि अब वो एक दलित चेहरे को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो दलित चेहरे की एक और बार फिर से बात उठने लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले हरीश रावत पंजाब के पर्यवेक्षक थे, वो वहां गए, उन्होंने जो पूरी जो गुत्थम गुत्थई वहां पर चल रही थी, पूरी जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में वो पहुंचे, उसको सलटाया, संभाला। और उस लड़ाई को संभाला कैसे? एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। जी हां, चरणजीत सिंह चन्नी, दलित चेहरा पंजाब का, उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे बहुत सारे मोर्चे एक साथ संभाल लिए। अब यही कवायद जो है वो उत्तराखंड में भी उन्होंने चली है, यही जो उनकी मास्टर स्ट्रोक्स को बोलिए, मास्टर स्ट्रोक चला है हरीश रावत जी ने। तो अब इसको जब चल दिया है, तो ऐसे में सबसे पहले तो यही हुआ कि विपक्षी कहें तो क्या कहें, उससे पहले घर के ही सदस्य ने मोर्चा खोल दिया। जी हां, प्रीतम सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बात तो समझिए कि जब 2002 में मौका था, जब 2012 में मौका था, तब आपने क्यों नहीं ये बात कही। ये उन्होंने दरअसल तंज कसते हुए कही है, क्योंकि 2002 और 2012 में प्रबल दावेदार हुआ करते थे हरीश रावत, और ऐसे में उस वक्त जो यशपाल आर्य भी थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको उस वक्त मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? चाहते तो मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसा प्रीतम सिंह का कहना है। और अब बात करते हैं विपक्षी दलों की। विपक्षी दलों की बात करें, कांग्रेस का विपक्ष, यानी बीजेपी, क्योंकि यही दोनों बड़े प्लेयर्स हैं वहां पर उत्तराखंड में। तो बड़े प्लेयर जो बीजेपी है, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल बात तो सिर्फ इतनी सी है कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आलाकमान जो है वो अब हरीश रावत जी को टिकट नहीं देना चाहता, सीएम का चेहरा नहीं बनाना चाहता। इसलिए इन सब चीजों से समझते हुए, इन सब चीजों को बचाते हुए, बचाते हुए जो हरीश रावत साहब कह रहे हैं कि दलित सीएम होना चाहिए, ताकि वो खुद को सेफली खेल सके। तो ये कुछ चल रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसके अलावा क्या चल रहा है? एक तरफ तो दलित कार्ड चल रहा है, दूसरी तरफ अगर आप अपना डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड निकालते हैं तो दाम कुछ अलग चल रहा है। सरसों का तेल जो है वो 275 रुपए लीटर चल रहा है, आटा जो है वहां पर 150 रुपए किलो चल रहा है, प्याज जो है 125 रुपए किलो चल रहा है। ये पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास के इलाकों की बात कर रहा हूं, जो सीमावर्ती गांव हैं लगे हुए उनकी बात कर रहा हूं। तो महंगाई जो है वो आसमान पर है, लेकिन जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने कार्ड लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो अपना कार्ड लेकर जो घूम रही है, तो उसके लिए मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि दाम क्या चल रहा है। तो सरसों का तेल 275 रुपए चल रहा है, आटा 150 रुपए किलो चल रहा है, प्याज 125 रुपए किलो चल रहा है, आपकी जेब से सारे कार्ड खत्म हो जाएंगे। लेकिन सियासी दलों के पास जो कार्ड है उसकी म्याद दरअसल बहुत लंबी है। ये चुनाव से पहले ऐसे प्रकट होते हैं और अक्सर चेहरे यही आते हैं, अक्सर कभी चेहरा दलित चेहरा आता है, कभी चेहरा पिछड़ी जाति का चेहरा लेकर आते हैं, कभी सवर्ण का चेहरा लेकर आते हैं। तो चेहरे जो हैं, चेहरों की दम पर दरअसल एक बहुत बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश होती है। क्योंकि अगर सवाल करे कोई कांग्रेस से, तो ये भी तो करेगा कि क्यों नहीं जो दलित चेहरा आप देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से सटा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आप अगर दलित चेहरा ही देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप दलित चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते? उत्तर प्रदेश में भी दलित चेहरे को देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप दलित चेहरा देखना चाहते हैं कांग्रेस जनाब, तो वहां तो बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वहां पर जो पार्टी बीएसपी है वो दलित चेहरा मायावती जी है। मायावती जी को आप लेकर आइए सामने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती जी पिछड़ों की बात करती हैं, उनकी पार्टी खुद दलितों की बात करती है, उनकी पार्टी खुद एससी एसटी लोगों की बात करती है, उनकी पार्टी जब खुद सामने है तो उनको सपोर्ट करिए, उनको बैक करिए यूपी में, तब आपकी मंशा जो है कि हाँ सच में आपके मन में यह है भाव उत्पन्न हुआ कि अब एक दलित चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके मन में अगर ये भाव आता है कि ठीक है जो पिछड़ गए उनको ऊपर लाना है। अब दर्शकों, राज्य में क्योंकि विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं, तो राजनीतिक दलों ने जो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो उसके बीच ऐसी खबरें आना तो आम बात है, लेकिन इसके सियासी जो मायने हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। चुनाव में यूं तो देखिए दर्शकों, राजनीतिक दल शिरकत करेंगे, लेकिन बड़े प्लेयर के तौर पर यहां पर बात अगर बीजेपी की और कांग्रेस की करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्य की राजनीति का परंपरागत जो ट्रैक है उसको डिस्टर्ब कर दिया है।
आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो फ्री का फंडा है ये हर जगह खेलते हैं, कहीं कहीं काम भी कर जाता है। तो फ्री का फंडा लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पहुंच गई है, उत्तराखंड पहुंची है, इंट्रोडक्टरी फेज में है, लेकिन इसके बावजूद अपना जो पिटारा है जिससे ये मुफ्त 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 चीजों का गेम करते हैं, तो ये वहां भी लेकर पहुंचे हैं। और इसके दम पर प्रदेश का जो परंपरागत वोटर है उसको डिस्टर्ब करने की पूरी तैयारी में है। तो परंपरागत वोटर जो है उसको डिस्टर्ब करने की पूरी तैयारी बना ली है, लेकिन हिचकिचा रहे हैं, आधे अधूरी, कभी इधर की बात हो रही है तो कभी उधर की बात हो रही है, हिचकिचाहट बहुत है। हिचकिचाहट इतनी ज्यादा देखी जा रही है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इन घोषणाओं के स्वर इतने ही कमजोर हैं, दर्शकों इतने कमजोर स्वर हैं जैसे कि कहने और सुनने वाला हर कोई समझ नहीं पा रहा। तो जो मेन पार्टियां हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जहां अभी तक मुद्दा जो था निकल कर आ रहा था कि बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, इसके साथ ही अन्य समस्याओं की बात होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उसकी बात होगी, मोटर मार्ग जो खराब, जो खस्ता हाल हालत में, उनकी बात होगी, लेकिन आखिर में बात हो गई कि किस तरीके से दलित कार्ड जो है उसको खेला जाए। तो दलित कार्ड को खेलने की तैयारी है, दलित कार्ड को खेलने के लिए पूरी तैयारी जो है उसको कर ली गई है। तो तैयारी जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है वो किस तरीके से गेम करती हैं, किस तरीके से सामने आती है। तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के प्रभारी हरीश रावत साहब एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यह एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से, क्योंकि दर्शकों एक दलित चेहरे को अगर पूर्व मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि वो दरअसल वहां की जो सियासत है उसमें अब हंगामा लाना चाहते हैं, क्योंकि वहां की सियासत को जिस तरीके से अब थोड़ा सा उस पर गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, वहां की सियासत में जो ट्रैक है सियासत का उसको कहीं ना कहीं ट्रैक को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, जो ट्रैक जो है उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। अगर दलित वोट बैंक की बात करूं तो हर पार्टी का इसमें दलितों का जो है अहम योगदान है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी दलितों को साधने के लिए दिल्ली के दलित विधायकों को वहां पर लगाया गया है, वो काम में लगे हुए हैं। तो दलितों को साधने के लिए दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के विधायक भी वहां पर लगे हुए हैं। 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10 लाख से ऊपर है, ये बड़ी संख्या है, इसी को साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्योंकि ये जो वोट बैंक था ये कांग्रेस से दूर हुआ था, इसके बाद से तमाम कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो अनुसूचित जाति की आबादी हरिद्वार में सबसे ज्यादा है, हरिद्वार बड़ा जिला है तो वहां पर जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है हरिद्वार जिले में। आबादी सिर्फ हरिद्वार में आपको बता दूं तो 4,11,274 दलितों की आबादी है हरिद्वार में। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिस पर नजर अब टिक गई है कांग्रेस की। तो अब जब नजर टिक गई है तो इसमें कैसे चीजें करनी है, कैसे चीजें निकालनी है, यह देखना बहुत अहम हो जाता है। वैसे आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ही बाबा भीमराव अंबेडकर को इतना स्पेस मुहैया कराया कि तमाम अंतर्विरोधों के बाद भी अपने समाज को वो इतना कुछ दे सके। तो कुल बात यह है कि अब जो कांग्रेस की सियासत है वो ना तो पलायन के मुद्दे पर बात कर रही है, तो कांग्रेस की सियासत जो है वो ना तो अब रोटी रोजी पर बात कर रही है, कांग्रेस की सियासत जो है वो ना ही अब सड़क बिजली पानी पर बात कर रही है, कांग्रेस की सियासत जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड हो गई है, सिर्फ जातिगत बात कर रही है। क्योंकि हरीश रावत अगर कहते हैं कि वो एक दलित चेहरे को अब मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि बड़ा प्रेम उमड़ाया है किसी जात विशेष के लिए, ऐसा नहीं है। ये दरअसल वोट बैंक को साधने की एक पुरानी ट्रिक है, पुरानी टैक्टिक है, हर पार्टी इसका इस्तेमाल करती हैं, हर पार्टियां अपने समय समय पर इसका इस्तेमाल करती रही हैं। तो ऐसा ही कुछ आज कांग्रेस भी करने के मूड में है। तो कांग्रेस से जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया है कि किस तरीके से वो लोग अब साधने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं आपको राजनीतिक सामाजिक ताने बाने के धरातलीय बिंदु से प्रस्थान कर कांग्रेस के हरीश रावत ने जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में अपेक्षित पड़े और कमजोर जो लोग हैं, जो बसपा से निराश है, क्योंकि बसपा इससे पहले क्या काम कर रही थी दर्शकों, बसपा इससे पहले कई विधानसभा सीटों पर खेल बिगाड़ रही थी लोगों का। तो बसपा वहां पर जाकर जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रही थी, जिसकी वजह से कई पार्टियों को नुकसान हो जाता था, जो इनका दलित वोटर होता था उसमें सेंधमारी कर लेती थी, कुछ जो वोट्स होते हैं वो बसपा ले जाती थी। वहीं आपको बात बताऊं
कि मैदानी क्षेत्र के दलित समुदाय को अपने पाले में करने के लिए दलित कार्ड खेल दिया है। तो मैदानी क्षेत्र के जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो निराश हो रखे थे बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से, उनको यहां पर अपने पाले में खींचने के लिए अब दलित कार्ड चल दिया गया है। तो यह दलित कार्ड जो है अब सीधे आपके सामने है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के लक्सर में जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाने को उत्तर भारत में इतिहास रचने की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे मौके बेहद कम देखने को मिले हैं जब ऐसी नजीर पेश की गई। उन्होंने कहा, मैं भगवान और मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे जीते जी एक दलित के बेटे को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने का अवसर मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेंगे। जैसे शब्दों को जोड़ रहे थे तो वह एक मील का पत्थर उसकी बुनियाद रख रहे थे। तो अब उत्तराखंड में भी जहां ऐसा लग रहा था कि इस बार बात पलायन की हो सकती है, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने भी बार बार हर तरीके से इसको बताने की कोशिश की कि पलायन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, तो पलायन पर बात होनी चाहिए। जो बेरोजगारी का दर है उस पर बात होनी चाहिए, किस तरीके से वहां पर कितने सारे युवा जो हैं वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, तो उस पर बात होनी चाहिए। वहां पर जो मोटर मार्ग हैं, हम लोग बार बार देखते हैं किस तरीके से भूस्खलन होता है, मोटर मार्ग बाधित हो जाते हैं, तो इनका भी कुछ एक सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, क्योंकि कब तक कनेक्टिविटी जो है वो कटती रहेगी। महंगाई को भी देख लिया, महंगाई के दाम 275 का तेल बिक रहा है, 275 का तेल बिक रहा है, 150 रुपए किलो आटा बिक रहा है, इसके साथ ही 125 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। तो आपके क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सब पर इनकी नजर है, लेकिन खुद का कार्ड जो है इनके हाथ में है, और इस बार दलित कार्ड है। तो ऐसे में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, बाकी सब भोलेनाथ है। इसके साथ ही जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। तो हमारे साथ कृष्णा बहुगुड़ा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की। इसके साथ ही रविंद्र आनंद साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हैं एक आम आदमी पार्टी से हैं। तो दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी, अरविंद्र जी। कृष्णा बहुगुणा जी जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस से, और रविंद्र आनंद साहब जो है वो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ठीक है, सबसे पहले मैं कृष्णा बहुगुणा जी आपके पास आना चाहूंगा। कृष्णा जी, अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, 4 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में ये कौन सा डर था जो आपको इतना ज्यादा सताया कि अब आखिरी में आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत साहब, वो अब ये बात कह रहे हैं कि दलित कार्ड खेलना पड़ेगा इशारों में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दलित मुख्यमंत्री वो देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस में जो चीज आपकी काम करती नजर आ रही है, वही चीज आप उत्तराखंड में भी लाना चाहते हैं? पहले तो नमस्कार करूंगी मैं सभी को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया जी। और दूसरी बात कि हरीश रावत जी ने जो बात कही है बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल सही बात कही है, हम सभी लोग उससे सहमत हैं। और ये डर वाली बात नहीं है, मौका सबको देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि सबको साथ लेके चलती है। इसलिए जो हरीश रावत जी ने जो बयान दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो ये जो हरीश रावत साहब ने जो बयान दिया है ये अच्छा, ठीक है, आप दलितों को आप कह रहे हैं कि दलित सीएम का चेहरा होना चाहिए, तो बाकी जो लोग हैं, अगर कोई आपको लगता है कि कोई ज्यादा अच्छा है, कोई ज्यादा अच्छे से लोगों की सेवा कर सकता है, ज्यादा अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकता है, कई आपकी पार्टी में भी वरिष्ठ नेता जो है, तो उनका क्या? देखिए ये अगर हरीश रावत जी ने कुछ कहा है तो शायद सोच समझ के कहा होगा, और इससे मुझे जहां तक लगता है कि सभी हरीश रावत जी की बात से सहमत है। जी ठीक है, कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के पास आता हूं मैं। तो रविंद्र साहब ये बताइए जी कि आप तो यहाँ पर नए प्लेयर हैं, नई पार्टी बनकर आए हैं यहाँ पर, बिल्कुल इंट्रोडक्शन फेज है आपका उत्तराखंड में, लेकिन जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि दलितों को अब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की जरूरत है, मतलब दलित मुख्यमंत्री का चेहरा वो देखना चाहते हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि इनको फायदा होगा या नुकसान होगा, या इससे आप क्या समझते हैं, किस तरह की राजनीति है ये? देखिए माने हरीश रावत जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के और पंजाब के प्रभारी भी हैं, जब उन्हें पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया था तो आला कमान ने ये सोचा था कि ये पंजाब में जाएंगे
और पंजाब के जो अंदरूनी झगड़े हैं उनको खत्म करेंगे। लेकिन इन्होंने तो पंजाब में जाके दो फाड़ कर दिए और अमरिंदर सिंह जी आज पार्टी छोड़ने को तैयार हैं और जिस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस विरोधी बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, तो देखिए इससे एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि प्रभारी रहते हुए हरीश रावत जी ने अपना जो रोल है वो ठीक ढंग से प्ले नहीं किया, उन्होंने पार्शियलिटी का काम किया है। इससे जो जो इस्तीफा दिया गया अमरिंदर सिंह जी द्वारा उससे बिल्कुल ये साफ होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से दलित कार्ड पंजाब में खेला गया और अब उन्होंने यहाँ पर जो शिगुफा छोड़ा है, तो मैं आपसे बिल्कुल ये स्पष्ट बता दूं, क्योंकि हरीश रावत जी पिछले 40 साल से राजनीति में हैं, वो शगुफे छोड़ने में माहिर हैं और ये शगुफा ही है। सिर्फ किसी भी तरह से येन केन प्रकरण, एक कहावत है और बाय हुक बाय क्रूक इंग्लिश में बोलते हैं, किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार बन जाए। पहले उन्होंने, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, पहले उन्होंने जब आम आदमी पार्टी ने बिजली की बात की तो साहब ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर दी, जब हमने पानी की बात की तो साहब ने कहा कि हम 35 लीटर शुद्ध पानी पीने का देंगे, और अब साहब ने एक बात और कही है कि रोजगार आम आदमी पार्टी नहीं कांग्रेस पार्टी देगी। अरे भैया, आम आदमी पार्टी की योजनाओं से अगर इतना ही प्रेरित है तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, अगर इतना ही प्रेरित है हमारी योजनाओं से, इतना ही नकल करने का आपको शौक है तो हमारी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, क्यों जगह जगह झगड़े। इनकी वजह से 2017 में 16 में जो बागी हैं 10 विधायक वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। महाराज जी जहां भी जाते हैं वहां पूरी राजनीति तबाह हो जाती है। महाराज जी अभी पंजाब में गए हरीश रावत जी, तो वहां भी इन्होंने कांग्रेस के दो फाड़ कर दिए और अब पंजाब का जो कांग्रेस का भविष्य है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय हरीश रावत जी को कि उन्होंने पंजाब में हमारी राह जरूर आसान कर दी है और पंजाब में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छे बहुमत। रविंद्र आनंद साहब, ये बताइए कि आपके भी, बताया जा रहा है कि आपके भी कई सारे दलित जो विधायक हैं वो भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, दलित नेता जो है वो भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो आपके लोग भी तो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देखिए, एक जो आपने कहा दलित वाली बात, मैं ये कह देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में जो विधायक हैं, इस समय हमारे पास 62 विधायक हैं और 62 विधायक में से जितने विधायकों की ड्यूटी उत्तराखंड लगेगी माननीय अरविंद केजरीवाल जी लगाएंगे, वो सब लोग यहाँ आएंगे और बारी बारी से, बल्कि सभी आएंगे। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आने तक सारे तो ही बारी जो है वो दलित विधायकों की ज्यादा क्यों आ रही है? दलित विधायक ही बताया जा रहा है कि दलित विधायकों को अलग से ड्यूटी असाइन की जा रही है। आप बताइए कौन से दलित विधायक आए, आप इसकी जानकारी आपको बेहतर होनी चाहिए, आपको इसकी जानकारी बेहतर होनी चाहिए ना। मैं तभी आपसे कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप एक भी नहीं आए भाई, इशारों में बात कर रहा हूं, खुलकर बात, तो एक भी नहीं आए अभी तक, तो एक भी नहीं आए, आप एक का नाम गिना दीजिए। ठीक है, तो आप दलित विधायक क्यों नहीं भेज रहे अभी तक, तो एक तो आप क्यों नहीं भेज रहे हैं, आप क्यों नहीं भेज रहे, मतलब आपको दलितों की कोई चिंता नहीं, क्यों नहीं भेज रहे? ठीक है, आप क्यों नहीं भेज रहे, आपको दलितों की फिक्र नहीं है, दलितों की चिंता नहीं है, दलितों को आप नहीं चाहते कि वो भी सियासत में आए, आप नहीं चाहते ऐसा, क्यों नहीं भेज रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप नहीं चाहते, आप दलितों को नहीं चाहते कि वो भी उनका भी पूरा फर्ज है, उनको आप क्यों नहीं चाहते कि वो भी आए, वो भी इसमें आए? मैं अपना पक्ष रखूं जी, बोलिए। समय अभी 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने के अंदर मैंने आपसे कहा कि 62 के 62 विधायक उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और हमारा जो फोकस है वो जात पर नहीं, काम पर रहता है। ये जात की राजनीति और धर्म की राजनीति, जात की राजनीति तो कांग्रेस करती है और धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी है वो धर्म की राजनीति करती है, मुफ्त की राजनीति करते हैं हम, कर्म की करते हैं, कर्म की, काम की, हम काम के दम, कर्म की, काम की, अच्छा कर्म, काम की राजनीति करते हैं और काम की राजनीति करके ही हम दोबारा सरकार हमने अच्छा, दिल्ली में बनाई है। अच्छा ठीक है, अब आप मंच पे हैं ही तो बता भी दीजिए लगे हाथ कि कौन कौन से कामों की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के काम। देखिए, मतलब उत्तराखंड के दर्शकों के लिए भी साफ हो जाएगा थोड़ा सा कि अगर आम आदमी पार्टी जो आती है तो किस तरीके के काम करवाएगी, इसलिए आप भी थोड़ा सा मंच है तो आप भी अपनी बात रख लीजिए। बिल्कुल, देखिए हमारा जो मेन मैनिफेस्टो है वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा
और रोजगार, इन पांच पर हम काम कर रहे हैं। ये सब फ्री है। दिल्ली में जब हमने 2015 में, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है। जब हम दिल्ली में 2015 में चुनाव लड़े और उसके बाद जब हम सत्ता में आए तो हमने पहले ही कहा कि हम ये काम करेंगे, और जब 2020 में जब चुनाव हुए और हम चुनाव में गए तो हमने लोगों से ये कहा कि अगर हमने ये काम किए हैं जो हमारा पुराना मैनिफेस्टो है, अगर हमने ये काम किए हैं तो हमें वोट कीजिएगा, अगर हमने काम नहीं किए हैं तो हमें वोट नहीं कीजिएगा। आज हमारी 62 सीटें वहां आई हैं, तो इससे साबित होता है कि हमने दिल्ली की जनता का मन जीता है और काम करके दिखाया है। पंजाब में भी आपने यही कहा था कि काम किया है, अगर आपको लगता है दिल्ली में काम किया है तो यहाँ जिताइएगा, नहीं जीते। आप गोवा पहुंचे, गोवा में भी आप बिल्कुल, हमारे 18 विधायक तो जिताइएगा, 18 विधायक हैं भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, की बात कर रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो यहाँ पर भी आप 6-7-8-10-15 विधायकों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ भी आप इतना ही चाहते हैं, इसको आप जीत मानते हैं ना? देखिए, मैं तो जीत की बात उस लिहाज से कर रहा था कि आपका मुख्यमंत्री आप डिसाइड नहीं, आपने तुरंत पलट कर कह दिया कि 18 नहीं करेंगे, आपने तुरंत पलट कर कह दिया कि 18 विधायक हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था भी बस आप यहाँ पर 18-10-15 पोजीशन विधायकों के लिए लड़ रहे हैं या मुख्यमंत्री की रेस में आप भी हैं? आपकी पार्टी में कि ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये जनता डिसाइड करेगी, ये जनता का आशीर्वाद है। अरे जनता ही जानना चाहती भैया, ये जो पटल पर बैठा हूं मैं, ये जनता ही जानना चाहती है, उन्हीं के सवाल हैं। तो मैंने वही आप जवाब दे रहे हैं। बेरोजगारी शिक्षा और बिजली पानी ये हमारे मेन मैनिफेस्टो हैं। शिक्षा स्वास्थ्य ये तो प्रकृति पहले से उपलब्ध करा रही है, आप क्या मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे ये बताइए? ये ऐसा थोड़ी ना कि आम आदमी पार्टी आएगी तो बिजली दे देगी, आम आदमी पार्टी आएगी तो पानी दे देगी, वो तो पहले से है, इसको बेहतर तरीके से देंगे या मुफ्त में देंगे बिल्कुल, या और अच्छे तरीके से कुछ क्लियर करिए, थोड़ा थॉट क्लियर करिए। हम 300 यूनिट बिजली अगर हमारी यहाँ पर सरकार बनती है तो हम हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और इसका हमने वायदा भी किया है, गारंटी कार्ड भी बनाए हैं, और 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके 14,00,000 परिवारों को उत्तराखंड में कार्ड दिए हैं, और हमने ये स्पष्ट कहा है कि यदि यहाँ पर हमारी सरकार बनी तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे। ये 300 यूनिट जो बिजली आप मुफ्त में देंगे, ये 300 बिजली जो यूनिट जो है, बिजली जो है वो मुफ्त में देंगे, ये कहां से लाएंगे? आसमान से टपकेगी, कहां से आएगी बिजली जो आप मुफ्त में देंगे? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि अगर करप्शन खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी कैमरे के सामने आकर के कहते हैं कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, जिसको जितना लूटना है वो लूट ले उत्तराखंड को, तो मैं समझता हूँ जिस दिन ये लूट बंद हो गई ना, अरे उनको उनकी बातें, अरे आनंद साहब, अरे आनंद साहब, उनकी बातें उनकी न्यारी आप करिए, अपनी बातें प्यारी प्यारी आप करिए ना, इंटरप्ट ना करें, उनकी बातें छोड़िए, उनकी बातें उनकी न्यारी आप करिए, अपनी बातें प्यारी आप करिए, आप बताइए ना कि ये मैं बिजली वाली बात कर रहा हूँ, ये जनता के लिए थोड़ा क्लियर थॉट क्लियर कर रहा हूँ बस उनका, कि आप जो 300 यूनिट जो बिजली मुफ्त में देंगे ये कैसे देंगे? देखिए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अपनी हमारी नदियां हैं, गंगा यहाँ अवतरित होती है, यमुना यहाँ अवतरित होती है, जिससे बिजली बनती है, और बिजली उत्तराखंड वासियों का, मैं तो आप फ्री कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ उनका हक है और उनको मिलना ही चाहिए, और हम उसको देंगे, हमने इस बात का संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हम हर माह फ्री देने जा रहे हैं अगर हमारी यहाँ पर सरकार बनती है। और हमें देखा था कि बीजेपी ने 100 यूनिट फ्री देने का जो वायदा किया या जुमला छोड़ा, उस पर खुद बैकफुट में आ गई, उसके बाद हरीश रावत जी ने भी 200 यूनिट बिजली की बात कही है। तो देखिए हमारी योजनाओं से कितने प्रेरित हैं, दोनों पार्टियां कितनी प्रेरित हैं कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर चलना चाहती हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय हरीश रावत जी से, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी भी हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप वहां फ्री बिजली दे दीजिए, यहाँ की जनता मान लेगी। आनंद साहब काफी देर से शांत हैं कृष्णा जी, तो कृष्णा जी से भी बातचीत कर लेते हैं। तो कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आप लुका छिपी इनकी देखा देखी कर रही हैं, आप लुका छिपी देख रही हैं कि ये 300 यूनिट देंगे तो आप भी अपने हिसाब से कि हाँ हम भी फलाने फलाने यूनिट देंगे। वैसे आइडिया तो आपको मिल गया, क्योंकि आइडिया इन्होंने बता दिया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी है इनको, तो आइडिया तो आपको ही मिल गया, तो आप भी 300 यूनिट दीजिए। देखिए मैं ये कहूंगी, माननीय हरीश रावत जी ने जो कहा, अरे मैडम माननीय हरीश रावत जी ने जो कहा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे,
और कांग्रेस पार्टी जो है इनकी देखा देखी वो भी बोल देती है जुमलेबाजी में कि हम इतने फलानी यूनिट फ्री देंगे, फलानी यूनिट फ्री देंगे। तो आपसे मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप कितनी यूनिट फ्री देने जा रही हैं, और ये बेहतर है उत्तराखंड की जनता के लिए बेहतर है कि आप सारी पार्टियां आपस में लड़े और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करें कि वो कहते 300 देंगे आप 400 दीजिए 500 दीजिए, बेहतर है। अगर आपके पास कोई ठोस प्रभावी एक प्रक्रिया है कि आप दे सकते हैं बिजली तो अच्छी बात है जी, बिल्कुल। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, बनेगी कांग्रेस की सरकार, तो 100% अगर हरीश रावत जी ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो हम देंगे। लेकिन मैं आप पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने अभी तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, कभी इन्होंने ये कह दिया कि स्कूल हमने तमाम स्कूलों में फीस माफ कर दी, हमने बिजली पानी हम फ्री दे रहे हैं। अब ये उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप ये अपना एक कार्ड जगह जगह घर घर जाके गरीब जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि फिलहाल मैडम आप परिवर्तन यात्रा निकाल कर कौन सी पुष्प वर्षा कर रही है वहां की जनता पर? आप भी तो बहला फुसलाने की और चुनाव प्रचार करने की कोशिश कर रही है, ये भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी किसी को बहलाए फुसलाए नहीं। हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक एक घर में दो दो जनों की पेंशन भी करवाई है, तमाम पेंशन करवाई, तमाम उत्तराखंड की जनता को उन्होंने सुविधाएं दी है। आज देखिए उत्तराखंड के अंदर कितने कॉलेज हैं, तमाम सुविधाएं हरीश रावत जी ने दी हैं। ये जो काम कर रहे हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस घर में जाके आप कार्ड बना रहे हो आप उस घर में जाके पहले उनसे ये पूछिए कि आपने अभी तक जो आपका उन गरीब घरों में कि आपने जो बिजली के बिल नहीं भरने के कारण आपके कनेक्शन काटे गए हैं, तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ ना कि पहले आप वो बिजली का बिल भरिए। क्यों नहीं भरते? अगर आप वो बिजली का बिल भर देते हैं, किसी का 25,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 30,000 है, आप वो कार्ड मत बनाइए। और वो जब आपकी सरकार आएगी तब की तब देखी जाएगी। पहले आप जो काम मुख्य काम है कि आप किसी के घर में घुस रहे हो तो पहले ये तो पूछ लो कि हम तुम्हारे घर में आ रखे हैं, आपके घर में खाने के लिए है कि नहीं है, आप उनसे पूछे। आप बिजली फ्री देने की बात करते हो तो पहले उनका बिजली का बिल भरिए ना आप, जो 25-25, 30-30 हज़ार है, फिर तो हम कहेंगे कि हाँ हुआ कि मैं आपने दिल्ली में भी किया। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। देखिए दिल्ली की जनता से आज बोलने से पहले सोच लीजिए आप कहाँ बैठे हैं और क्या बात कर रहे हैं। मैं आपसे जब आप बोल रहे थे तब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुन रही थी, अब आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए आप प्रत्येक घर में जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि हाँ आप हम बिजली का बिल फ्री 300 यूनिट फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे। आप उनके देखिए ना कि उनके घरों में पानी के कनेक्शन है, जिनके घर में जाके पानी का कनेक्शन क्यों नहीं है? मैम आप कृष्णा जी क्या कर रही हैं कि आप खुद फंस रही हैं? मेरी बात, पानी का कनेक्शन क्यों नहीं है? ये नहीं थे आप, थे आप सत्ता में थे, बिल भरने के कारण बीजेपी कांग्रेस यही लोग तो सत्ता में रहे। आप कह रही हैं कि उनके घर पर जाके देखिए कनेक्शन है कि नहीं है। अरे वो पानी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए वहां कनेक्शन ही नहीं है, तो कनेक्शन क्यों नहीं है? क्यों कनेक्शन थे लेकिन वो कट चुके हैं, क्योंकि गरीब जनता है। आप देख रहे हो ना 5 साल से उत्तराखंड की हालत क्या हो रही है। कनेक्शन आपने लगवाए और कनेक्शन बीजेपी वालों ने काट दिए। जब बिजली का बिल इतना महंगा हो गया, पानी का बिल नहीं भर पाए गरीब जनता, तो कटने थे उनके। ठीक है सिंपल है, तो आम आदमी पार्टी आ रही है, वो सस्ता कर देगी, दोबारा कनेक्शन लगवा लेंगे वो लोग। पहले इनसे मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ ना कि पहले आप उनके कनेक्शन जोड़ दीजिए, उनका बिल भर दो, आप पानी का बिल भर दो और उनके जो बिजली का बिल है वो भर दो, तो फिर तो हम मानेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने कृष्णा जी जो समस्या बताई वो आपने सिर्फ इतनी बताई कि जो बिजली के बिल थे वो ज्यादा आ रहे थे इसलिए लोगों ने कनेक्शन कटवा दिए, पानी का जो पीने का जो पानी था उसका ज्यादा खर्चा आ रहा था इसलिए लोगों ने पानी के भी कनेक्शन कटवा दिए जो डायरेक्ट आता था। तो अब ऐसी समस्याएं हैं तो आम आदमी पार्टी लेकर आ तो रही है, वो कह रही है पूरी ताकत के साथ कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, पानी की समस्या को दूर कर देंगे, वो कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी का स्वागत करिए, सत्कार करिए, दोनों हाथ जोड़कर कि आइए। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि करोगे तो तब, लेकिन पहले आप करके तो दिखा दो, आपके आगे तो एक ऑप्शन है ना, करके दिखाएंगे तो तब ना, जब सत्ता में आएंगे तब तो करके दिखाएंगे, घर बैठ के कैसे करके दिखा देंगे? सत्ता में आने से तो रहे उत्तराखंड में, तो ये आने से रहे उत्तराखंड की जनता जागरूक। आप कह रही हैं पहले करके दिखा दो दिल्ली जी, मैं कहती हूँ इनसे कि पहले करके तो दिखा दो, आप उनके कनेक्शन जोड़ दीजिए,
उनका बिल भर दीजिए, आप कर दीजिए, फिर वो आप बोलना 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 बहुत। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस ने, ठीक है आप कह रही हैं कि वो बोलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही? ठीक है आप कर दीजिए, क्योंकि सत्ता में वो भी नहीं है, सत्ता में आप भी नहीं, आप कर दीजिए। फ्री कनेक्शन दिए कांग्रेस ने तो किया है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस आधार पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहते हो? क्या दुनिया को बेवकूफ बना के क्या आपने दिल्ली की जनता को इतने बेवकूफ बनाया? दिल्ली में तमाम इतने बलात्कार हुए, आपने क्या किया? ठीक है। तो कृष्णा जी, आनंद साहब, जो कृष्णा जी कहना चाहती हैं, वो कहना चाहती हैं कि आपने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया और आप उत्तराखंड में आकर भी यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाकर वोट हथियाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड को बने लगभग 20 साल हो चुके हैं जी, और 20 सालों में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी ने बारी बारी से सत्ता को हासिल किया, झूठे वादे किए। और पिछली अगर हम सरकार की बात करें, क्योंकि कृष्णा भगोड़ा जी कांग्रेस से हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भ्रष्टाचार हरीश रावत जी की सरकार में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, वो लाइव टीवी पर चला और वो खुद ये कहते दिखे कि जिसको जितना लूटना है वो लूट सकता है। पहली बात, जिस प्रकार से नदियों का चीरहरण आप लोगों ने करवाया और आज उसके कारण उत्तराखंड में पुल गिर रहे हैं, कहीं पुस्ते गिर रहे हैं, जो स्थिति आज उत्तराखंड की लूट खसोट की राजनीति में दोनों ही पार्टियों ने एक तरह से फ्रेंडली मैच खेल करके, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मैंने त्रिवेंद्र रावत को कांग्रेस में जब मैं था तो मैंने उन्हें बचाया, तो हरीश रावत जी ने कहा कि वो दोषी ही नहीं थे। जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को बचाने का काम करते रहे हैं और जनता को लूटने का काम करते रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि दोनों ही पार्टियों ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। आपकी बात को मैं समझ गया, आनंद साहब आपकी बात को समझ गया, दोनों एक ही मौसी के लड़के हैं, दोनों भाई भाई हैं। आप बताइए कि आप, ये लोग तो दलित कार्ड खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले धर्म का कार्ड खेल लेंगे, आप कौन सा कार्ड खेलेंगे? देखिए, हम काम का कार्ड खेलेंगे, काम का कार्ड हो गया, इसके 300 बिजली देंगे जी, इसके अलावा कुछ देंगे? इसके अलावा हम हमने सरकार बनते ही 6 महीने में, देखिए एक चीज समझिए, आनंद साहब ऐसा है, आप जब बार बार कार्ड का, काम का कार्ड बोलते हैं, आप अभी तक वहां पर सत्ता में रहे नहीं है, तो वहां के लोगों को आप ये कहेंगे हम काम कराएंगे, वो चीज ठीक नहीं है। आप ये बताइए कि आप उनको और क्या बात ऐसी कहेंगे जिस पर वो विश्वास कर सके? देखिए, उत्तराखंड के लगभग 30 लाख लोग जो हैं दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वो प्रवासी हैं, दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में क्यों रहते हैं? पलायन की वजह से रहते हैं, क्योंकि उनको वहां रोजगार नहीं मिला, इसलिए दिल्ली में रहते हैं। वही बता रहा हूँ। और 30 लाख जो लोग रहते हैं उन्होंने दिल्ली का मॉडल देखा है और उन लोगों ने अब इस बात को स्वीकारा है कि अगर कोई काम की राजनीति कर सकती है तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। और देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ के लोगों के रिश्तेदार हजारों की संख्या में दिल्ली में रहते हैं, जिससे उन्होंने दिल्ली का जो मॉडल है, काम का मॉडल है, वो देखा है, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो। और अब लोगों को ये विश्वास हो गया है कि अगर आम आदमी के हित में कोई पार्टी काम कर सकती है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। इसलिए लोगों ने इस बार मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियों को लोग नकार रहे हैं, दोनों पार्टियों को लोग देख चुके हैं, बरत के देख चुके हैं कि ये कैसी पार्टियां हैं, 5-5 साल नहीं बल्कि 10-10 साल देख चुके हैं कि दोनों ने क्या किया। अब वो कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन मिलेगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड के हजारों लाखों लोगों ने फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आम आदमी पार्टी में जुड़ने का और आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का न्योता दिया, जब सबसे पहले हम उत्तराखंड में आए तो हमने लोगों से ये पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो 62% लोगों ने कहा कि हाँ, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। आपने कौन सा सर्वे करवाया था, ये कहां का सर्वे था? ये अपने ही कार्यकर्ताओं को तो नहीं मैसेज कर दिया, आपके लोगों ने ही मैसेज कर दिया हो तो 62% के लोगों नहीं, क्या 62% अगर हमारे कार्यकर्ता अगर आप मानते हैं तो फिर तो हमारी सरकार बनने जा रही है। 62% बोला मैंने, 62% बोला, 100 लोगों का भी 62% होता है, 10 लोगों का भी 62% होता है।
किसी का भी 62% ले लो आप, अगर आप ये मानते हैं कि 62% लोग हमारे कार्यकर्ता हैं तो हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके 100 कार्यकर्ता भी उत्तराखंड में हैं, उनमें से अगर 62% लोग भी आपको मैसेज करते हैं, मैंने इस पर बात की, मैंने उत्तराखंड की जनता में 62% बात की, मैंने जनता के 62% लोगों को कहा आपको कि उत्तराखंड की जनता में से 62% लोगों ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी को यह चुनाव लड़ना चाहिए। और इस बार ये कहां हो गया ये सर्वे, कौन से आदिकाल में ये सर्वे हो गया, कौन से वक्त ये सर्वे हो गया जहां पर उत्तराखंड की पूरी जनता में से 62% लोगों ने आपके सामने पुष्प बिछा दिए कि आइए, कहां रह गए थे प्रभु आप, कब हुआ ये सर्वे, कहां कराया गया, कौन सी जगह थी, कौन सी थर्ड पार्टी सर्वे हुआ था, और इसका हमने मीडिया के सामने पीसी करके पूरी बात रखी भी थी। आज से लगभग इस बात को 8-9 महीने हो चुके हैं और हमने पीसी करके पूरी मीडिया के सामने भी चर्चा को रखा था। और मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि अब जनता ने ये समझ लिया है कि दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, जिस प्रकार से लूट खसोट का धंधा उत्तराखंड को बना दिया है, तो आम आदमी पार्टी ही उन्हें एक ऐसा विकल्प दिखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और हमने काम करके दिखाया है। तो आपको नहीं लगता कि जब 62% लोग, जब उत्तराखंड के 62% लोगों ने आपको हाथ जोड़कर कहा है कि आइए यहाँ पर आइए चुनाव लड़िए, तो आप तो पहले से ही जीते हुए मालूम पड़ते हैं। वही तो, इनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आज वही भाजपा है और वही कांग्रेस है जो कहती थी कि आम आदमी पार्टी के बारे में बात भी मत कीजिए, इनका कुछ नहीं है। आज उनका पहला बयान आम आदमी पार्टी के विरुद्ध आता है, हरीश रावत जी मुंह खोलते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आप कहां राजनीति में पड़ रहे हैं फिर, आप तो पहले से जीते हुए हैं, जब 62% लोग आप बता रहे हैं कि आपकी साइड है, आपकी तरफ है, तो ये तो बहुत मतलब प्रचंड बहुमत के साथ आप आने वाले हैं, आप फिर किस राजनीति, बिल्कुल आने वाले हैं, हमें पूर्ण विश्वास है हम बिल्कुल आने वाले हैं। इसी का दर्द हरीश रावत जी के पेट में भी है और इसी का दर्द बीजेपी के पेट में भी है, तभी बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। और कांग्रेस को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि दलित कार्ड खेलना है कि हम पंडितों का कार्ड खेलें। अच्छा, एक बात बताइए, कार्ड खेलें, कंफ्यूज है, एक बात बताइएगा, एक लक्सर क्षेत्र में एक जगह है, वहां पर बीते एक महीने से लगातार एक मोटर मार्ग है, वो भूस्खलन की वजह से बार बार बारिश जब हो रही है तो वो बाधित हो जाता है, वहां से एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो भी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप उस तरफ बैठे हुए शख्स के पास कैसे पहुंचे और आपने उससे कैसे कहा कि हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और उसने किस तरीके से आपसे कहा कि आना चाहिए? देखिए, जो सर्वे है ये पिछले साल हुआ था, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सर्वे लगभग आज से ठीक है, सर्वे किया, उसने कहा कि आना चाहिए, आज आपको उससे कोई मतलब नहीं? नहीं, बिल्कुल है, हमारे देखिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के घरों में जाकर उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। पूरे कोविड काल में हमने काम किया, अभी बिजली बनाने का जो मैंने आपको बताया ना, 14 लाख परिवारों को हमने कार्ड बांटे हैं, और अब हमारा कल से एक नया कैंपेन शुरू हो रहा है, रोजगार कार्ड, आपने सुना होगा, जिसमें हमने कहा है कि अगले 6 महीने में अगर हमारी सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम 1 लाख लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराएंगे, और अगर दिल्ली में काहे नहीं करवा देते भैया, नौकरी नहीं लग पाएगी, पहले आप दिल्ली के लोगों को संभालिए, दिल्ली की समस्याओं को देखिए, फिर आप उत्तराखंड की तरफ। दिल्ली के लोगों को संभाल लिया ना मैडम, तभी तो दो बार सरकार बनी, और कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, मैं आपको ये बता दूं भोगड़ा मैडम, क्योंकि मुझे लगता है आप राजनीति में नहीं है, आपके बहुत सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है दिल्ली में, आप पता कीजिए, आपके हरीश रावत जी, आनंद साहब, आपके बहुत सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है गोवा में, पंजाब में, आप उस पर मत जाइए, आपके भी कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, आप पर्सनल कमेंट किसी पर नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी बात में, सिर्फ हरीश रावत जी का कोई जो एंकर महोदय जी, आपने दिल्ली का नाम आप ही ने लिया, तो मुझे तो दिल्ली, जब भी आप दिल्ली का नाम लेंगे दिल्ली का पक्ष तो रखूंगा ना, मैंने कहा कि आपने कहा 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे सत्ता में आते ही, तो मैंने कहा कि दिल्ली के लोगों को एक साथ रोजगार दे दीजिए, दिल्ली के लोगों के पास रोजगार है, दिल्ली के लोगों मैडम सुन लीजिए, बिजली पानी दीजिए, दे रखा है मैडम हमने, आप जाके देखिए, आपको अगर दिल्ली का मॉडल देखना है तो आप दिल्ली जाइए, आप प्लीज, चलिए ठीक है, आप दोनों लोग अभी सत्ता में नहीं है, काफी देर से अपनी बात रख रहे थे, इसको देखते हुए जो सत्ता में जो बैठे हैं सत्ताधीश हैं, पवन चौहान साहब
भी जुड़ चुके हैं। पवन चौहान साहब जो है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भाजपा के, तो काफी देर हुई आपको आने में, खैर देर आए दुरुस्त आए। पवन चौहान साहब ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, एक आम आदमी पार्टी से है रविंद्र आनंद साहब गायब हो गई जी, कृष्णा बहुगुणा जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है पवन चौहान साहब? अब आइए बीच में दम बंद हो गई थी जी, ठीक है। तो पवन चौहान साहब हमारे साथ, कृष्णा बहुगुणा जी हैं महिला कांग्रेस से हैं, रविंद्र आनंद साहब हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो पहले जो कांग्रेस कह रहे हैं मैं उनकी बता देता हूं, जो मुद्दा था वो ये था कि किस तरीके से अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब जो है अब वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं जो दलित हो। तो मैंने कांग्रेस की कृष्णा जी से पूछा कि डर लग रहा है क्या कि अब दलित कार्ड खेलने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा कि डरना हमको नहीं है, डरना बीजेपी को है क्योंकि हम तो सत्ता में आ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के रविंद्र आनंद साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम अगर आ गए तो 1,00,000 लोगों को रोजगार दे देंगे, 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दे देंगे, सब कुछ स्वर्णिम कर देंगे, उत्तराखंड का ऐसा विकास करेंगे कि देखने योग्य होगा। तो अब आप जो सत्ता में बैठे हैं, आपसे सवाल है कि आपने ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया कि इनको काउंटर करने के लिए कोई जवाब मैं खुद ही दे देता, आपको ना बुलाना पड़ता। नहीं, मैंने तो मेरे यहाँ तो सारे काम काउंटर करने, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। अब ये दलित मुद्दा ले आए हैं, ये तो धर्म की राजनीति का ठेका इनका पहले से ही था, कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति इन्होंने हमें घृणित राजनीति हमेशा की है। हम तो वो लोग हैं जो चाय वाले को, एक पिछड़ी जाति वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। इन्होंने क्यों नहीं आज तक वो राहुल गांधी परिवार से दूर क्यों नहीं गए? यहाँ हरीश रावत जी को पहले क्यों नहीं याद आया? हरीश रावत जी यही तो थे, बहुगुणा को पटका और नायल दत्त तिवारी जी को नहीं जिंदा रहने दिया, उनका जीना दुरुपयोग किया अपने बनने के लिए। आज वो उनके पास तो बहुत बड़े बड़े नेता थे, दलित क्यों नहीं बनाया उस समय मुख्यमंत्री? अब इनको पास मुद्दा क्या है? इनके पास तो यही मुद्दे है कि धर्म की जाति की राजनीति करें, किसी तरह बचे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा के सामने कहीं नहीं टिकने वाले हैं। ये बिल्कुल इनको आपसे भी दूसरे जी बिल्कुल वही मैं कह रहा था। कृष्णा जी आपने सुना जी। क्या कहा है पवन चौहान साहब ने? आवाज गूंज रही है उनकी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं जोर से बोल देता हूँ फिर सुन लेंगे। बहुगुणा साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्यों गांधी परिवार से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? वहाँ कौन सा दलित बैठा है उनमें? कौन सी कैसी राजनीति आप करना चाहते हो? जी जी, और सिख समुदाय तो वास्तव में धर्म की राजनीति से बहुत, सिख समुदाय ऐसा समुदाय है जो जाति की राजनीति तो कम से कम नहीं करता है। सिख समुदाय में जो पंच प्यारे थे वो 5 जातियों से लिए गए थे और उनको गुरु नानक देव जी ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी। इन्होंने नई जाति पैदा कर दी है। कांग्रेस का काम यही छलने का काम है, चाहे आम आदमी पार्टी भी नहीं की दूसरी क्लास बी टीम है, इनका यही काम है और कोई काम नहीं है जी। ठीक है पवन चौहान साहब, ठीक है जी। और पवन चौहान साहब, एक चीज आप पूछ रही थी, बार बार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप तो धर्म की राजनीति करते हैं। जब मैंने इनसे कहा कि आप किस तरीके से जातिगत राजनीति खुलेआम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आप तो धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है, तो आप धर्म की राजनीति का जो टैग है उसको कैसे छुटाएंगे? नहीं नहीं, इनका इनके पास कुछ बचेगा नहीं ना। अगर हमारे पास तो कोई धर्म की राजनीति, कोई बता दे कि किसी, हमने अगर कोई किसी तरह का किसी पात्र को, चाहे वो मुस्लिम है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, वही उसको मिला है, वही उसको मिला है। हमने जन धन के खाते सबके खुलवाए हैं, हमने मकान आवंटन किए हैं तो मुस्लिम को भी किए हैं। ये तो इनका, ये वहां जाकर के ऐसा नहीं बोलेंगे तो इनको कौन वोट देने वाला है? इन दोनों का काम तो यही रह गया है। केजरीवाल जी अब यहाँ आकर के हमें सिखा रहे हैं, हम दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली में हमारा मकान है, वहां ये कितने लोगों को रोजगार दिया बताए ना वहां दिल्ली में? यहाँ तो आते ही बगैर बात में 1,00,000 लोगों को दे देंगे। जहां संसाधन की कमी है वहां तो संसाधन की परिपूर्णता है इनके पास, तो वहां क्यों नहीं इनको इन्होंने दे दिए है किसी को रोजगार? ये तो जब समय आया था उन गरीबों को रोटी खाने का, ये इकट्ठा करके सबको बॉर्डर पर छोड़ करके आ गए थे। तो पवन चौहान साहब, पवन चौहान साहब, पवन चौहान साहब वाला है, पवन चौहान साहब लड़ते रहे, कुछ भी करते रहे। पवन चौहान साहब ये बताइए कि अगर 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिले तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ या ना? नहीं, बिजली मुफ्त किसे, वहां किसको मुफ्त बिजली बांटने का मतलब क्या है? ये लोगों को रोजगार देना, वो हमने भी तो यूनिट कम किए हैं। हरीश रावत जी तो 500 यूनिट देने जा रहे हैं, तो कोई 1,000 यूनिट दे देगा? इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठे हैं सब लोग। अरे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, लोगों को रोजगार देने के लिए काम करना चाहिए, लोग संपन्नता की ओर आए वो काम करना चाहिए, हमें किसी को भिखारी थोड़ी बनाना है। और इनकी कोई इन बातों को नहीं सुनने वाला है। वाह, क्या
क्या स्पीच थी बढ़िया आपकी, अदाओं पर तो बिकरे को जी चाहता है। अब एक जवाब दीजिए कि आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आपने किस तरीके से पलायन को रोका। रोज रोज मैं खबरें देखता हूँ कि यहाँ मोटर मार्ग बाद है, वहां मोटर मार्ग बाद है, इतने सारे पर्वतीय क्षेत्रों में इतना बुरा हाल है। और इसी के साथ पवन चौहान साहब, जो आपको आज के नाम बताता हूँ, कोविड में हम सबको पूरे देश में, आप बात को सुनिए, अभी आपने बड़ी अच्छी स्पीच दी, मैंने तो खुद बोला ये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो नीतियां हमने गरीबों के लिए बनाई है, पवन चौहान साहब पलायन रोकने के लिए, पवन चौहान साहब, पवन चौहान साहब, पहले कभी किसी ने सोचा होता तो कभी कुछ नहीं होता। पवन चौहान साहब आपने इतनी अच्छी बातें की, मैंने तो खुद कहा, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, बहुत धीमी आ रही है, आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है पवन चौहान साहब, अब आ रही है आपकी आवाज, अब आइए। ठीक है पवन चौहान साहब, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आपने इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की कि आपकी अदाओं पर तो बिखरे को दिल चाहता है। लेकिन अब ये बताइए पवन चौहान साहब कि आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें जो की, आप एक बात बताइए, जो उत्तराखंड बेरोजगारी से त्रस्त है, ठीक है, जो उत्तराखंड जहां पर रोज खबरें देखते हैं हम कि फलानी जगह पर मोटर मार्ग बाधित हो गया, आवागमन ठप है, कनेक्टिविटी चली गई, ये समस्या, इसके साथ ही पलायन एक बड़ी समस्या, आपका खुद का घर भी आप बता रहे हैं कि मुझे दिल्ली में है, तो ये समझिए कि उत्तरा ऐसे कितने लोग ये बता रहे हैं कि 3 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, पलायन करके दिल्ली में, इसके साथ मेरा घर दिल्ली में नहीं है, मेरे रिश्तेदार है वहां, मेरा रिलेटिव है, मेरा नहीं है। नहीं नहीं आप सत्ता में, मुझे लगा आपका दिल्ली में भी एक होगा, मुंबई में भी होगा, मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा नहीं है। ठीक है तो हाँ मैं ये पूछ रहा था, तो ये सब चीजें हैं। वैसे आपके घर में तो कोई होगा चिंटू जो दाल ले आता होगा, आटा ले आता होगा, प्याज ले आता होगा, आपको पता भी नहीं चलता होगा दाम क्या है। लेकिन अगर दामों की बात करें, 275 रुपए लीटर सरसों का तेल बिक रहा है, 150 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 125 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, ऐसी तमाम चीजें, इतनी महंगाई बढ़ गई है, सीमावर्ती गांव की बात कर रहा हूं, जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आप स्पीच भाषण और इतना बढ़िया बोले कि लगा कि आप बात टोक्यो की कर रहे हैं, मुझे लगा आप बात स्पेन की कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ के लिए समझ नहीं आया, मुझे पीसीआर टीम से दोबारा जाकर बात करनी पड़ी कि उत्तराखंड के ही प्रवक्ता साहब जुड़े हैं, उत्तराखंड के ही बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं। जी मुझे लगा कि जी तो मुझे लगा कि आप टोक्यो से कहीं से जुड़े हैं, कहीं बाहर से कहीं से जुड़े हैं, जहां पर एक विकास की ऐसी बयार बही की क्या बात करें। नहीं नहीं हमने हम कह तो रहे हैं ना, हम फिर कह रहे हैं, हम पुनः दोहरा रहे हैं, ये सारी बातें आपकी मेरे समझ आ रही है, महंगाई भी हुई है, देखो ये सब तो चलता रहती होती है सब चीज की ना, चलता रहता। मैं दूसरी बातें कह रहा हूँ, हमने नीतियां नहीं बनाई होती तो आज आज जो 10 साल से ये कांग्रेस की सरकार भी तो 10 साल शासन कर गई ना, हमने आज 25,000 भर्तियां निकाली है, हमने निकाली है ना, इन्होंने क्यों नहीं निकाली, ये भी तो सत्ता में रहे थे। और केजरीवाल जी धर्म की राजनीति तो केजरीवाल जी और वो करते हैं, वो तो जाति देख करके तो कोई मर गया उसके घर में जाते हैं, दूसरी जाति वाले के धर्म के वाले के यहाँ नहीं जाते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सबको एक समान देखते हैं, महंगाई अपनी जगह लेकिन सुविधाएं भी हम दे रहे हैं, हम सिलेंडर भी फ्री हम दे रहे हैं, महंगाई खाते खोले हैं, हमने श्रम कार्ड से अपने पैसे दिए हैं, हमने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, इसलिए उत्तराखंड की जनता, इस देश की जनता हमारे साथ है, ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं पवन चौहान साहब, अभी अभी आम आदमी पार्टी के आनंद साहब कह रहे थे कि उन्होंने एक सर्वे करवाया है जिसमें ऐसा बता रहे हैं वो कि 62% जो जनता है उत्तराखंड की, वो उन्हें उत्तराखंड में सत्ता पर विराजमान देखना चाहती है, तो जब 62% जनता चाहती है तो कर दीजिए। जी पवन सर्वे लेकिन हो गया है, अरे वो लोग अगर कोई लोग है चलिए ठीक है पवन जी, शायद आप अपनी बात बहुत कम समय में ही पूरी कह गए, आपके नेटवर्क जो है वो चले गए। ठीक है तो अब बहुगुणा जी के पास आते हैं, बहुगुणा जी, कृष्णा जी, कृष्णा बहुगुणा जी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो कृष्णा जी आपने सुना कि किस तरीके से पवन चौहान साहब जो थे भाजपा के, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जनता को बिल्कुल खुश करके रखा हुआ है
और उत्तराखंड की जो जनता है उनके साथ है, उन्होंने हर चीज़ को व्यवस्थित कर दिया है, हर चीज़ को सही कर दिया है, जो कुछ खामियां आपकी सरकार के दौरान हुई थी उनको भी उन्होंने ठीक कर दिया है। मैं इनसे कहूंगी, शायद इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज अगर लोग ये मानने को तैयार हैं, हाथ जोड़ के विनती, अब ये मत कहिएगा इसकी हरीश रावत साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया। ठीक है, चलिए। देखिए, जो हरीश रावत जी के टाइम के जो पुल बने थे वो आज इनकी जो सरकार आई, तमाम खनन करके इन्होंने वो मतलब इतना खनन किया, इनका जो इन्होंने उत्तराखंड में जो पैसा कमाया सरकार बनाने के बाद, दो चीजों में। मैम, हरीश रावत, जब सब कुछ हरीश रावत साहब ने ही किया है, तो हरीश रावत साहब से भी पहले काफी मुख्यमंत्री आपको कांग्रेस की तरफ से आपके रहे हैं, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा। उससे पहले आपकी बता दूं, क्यों नहीं किया, सबने किया जी, विजय बहुगुणा साहब थे, खंडूरी साहब थे, पोखरियाल साहब थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी से थे खैर, लेकिन इससे पहले नारायण दत्त तिवारी साहब भी थे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये सब लोग भी तो रहे हैं कांग्रेस से, तो इनकी भी तो बात होनी चाहिए। जब 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 उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार ने चौमुखी विकास किया है उत्तराखंड का। चौमुखी विकास करने के बाद ये पंचमुखी हार कैसे मिली, ये तो इनके इनसे पूछे ना, जो इन्होंने घोटाले किए, जो इन्होंने ईवीएम मशीन के जो इनका घोटाला था सब उसके कारण था। अच्छा, ईवीएम है ये, उनके ईवीएम के कारण जो इन्होंने उस पे छेड़छाड़ की थी, ये सब जीत उसकी थी। नहीं तो जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस ने विकास किया था, कहीं से कहीं था कांग्रेस का हारने का कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो विकास किया उसके चलते उनका जाने का कोई मकसद नहीं, मतलब ही नहीं बनता, मकसद ही नहीं था जी। लेकिन जो ईवीएम थी उसी की सारी गड़बड़ी थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, कृष्णा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। इसी के साथ रविंद्र आनंद साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। पवन चौहान साहब हमारे साथ जुड़े थे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे भाजपा के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया था हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जो मेन समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, उस पर दरअसल बात करने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि सालों से इन पर बात नहीं हुई। चुनाव से जस्ट पहले, चुनाव से कुछ महीनों पहले, चंद दिनों पहले अचानक से एक मुद्दा जन्म लेता है और वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना विशालकाय हो जाता है कि उसी मुद्दे पर वोट लेने की कवायद शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करूं, सबको सिर्फ वोट चाहिए, रोटी किसी को नहीं देनी, सबको वोट चाहिए, सुचारू रूप से बिजली किसी को नहीं देनी, सबको वोट चाहिए, लेकिन जो मुख्य समस्या है पलायन की, उसे किसी को नहीं रोकना, सबको वोट चाहिए। और वोट की ही चोट है कि जो तमाम बातें निकलकर चुनाव से पहले सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक तरफ व्यस्त हैं अपनी उपलब्धियां लोगों तक उनकी पार्टी जो है जाकर बता रही है, वहीं कांग्रेस जो है परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, आम आदमी पार्टी जो है नई नई आई है, इंट्रोडक्शन दे रही है, लेकिन क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये कार्ड जिसका नाम है दलित कार्ड, क्या उनको थोड़ी सी भी वोटों की दौलत से नवाजेगा? यह आपके लिए सवाल है, इसको आपके साथ ही छोड़कर जा रहा हूं। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपके साथ सत्ता का संग्राम में। धन्यवाद।